Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Professor Maulik R. Joshi, and today's our topic is analysis of a truss by using of the method of joints. यहाँ पर हमें एक truss दिया गया है जिसमें एक support पे कुछ hinge support है और दूसरे support पे कुछ हमें roller support दिया गया है. इसके अलावा अगर forces की बात की जाए तो हमें deep joint पे कुछ 30 kN का horizontal force दिया गया है, joint B के पास कुछ 40 kN का डाउनवर्ड फोर्स दिया गया है. अभी जब भी आपको एग्जांपल दिया जाए ट्रस को सॉल्व करने के लिए, एट दैट टाइम आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा रिएक्शंस फाइंड आउट करना. अगर आपके ट्रस में हिंज सपोर्ट दिया जाता है, रोलर सपोर्ट दिया गया है या फिर सिंपल सपोर्ट दिया गया है, तो सब फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस. तो मैं लिख देता हूं यहां पर, तो स्टेप नंबर 1 विल बी टू फाइंड support reaction, to find support reactions. यहां पर अगर supports की बात की जाए तो यहां पर हमें दो supports दिए गए हैं. support A के पास कुछ हमें दिया गया है hinge support, and as we know for the hinge support there will be a two reactions. one is the vertical reaction and second one is the horizontal reaction. तो यहां पर मैं एक vertical reaction बता देता हूं जिसमें कहता हूं VA और एक horizontal reaction कुछ HA, सिर्फ इस तरह से कुछ मैं indicate कर देता हूं. अभी आगे बात की जाए तो at the support C हमें दिया गया है roller support, और अगर roller support के लिए अगर हम बात करें तो roller support में सिर्फ एक ही reaction produce होता है, and that will be our vertical reaction. तो यहां पर मैं कुछ vertical reaction V C करके कुछ दिखा देता हूं, क्योंकि joint का नाम है C, ठीक है. तो यहां पर दो रिएक्शन आ गए, एक आ गया वर्टिकल रिएक्शन VA और एक रिएक्शन कुछ आ गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA. और यहां पर सपोर्ट C के पास रोलर सपोर्ट है, तो इसलिए सिर्फ एक ही वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है, VC. अभी बात करें इसे फाइंड आउट कैसे किया जाए, तो हमारे पास तीन कंडीशन है सब रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए. सिग्मा H इज इक्वल टू 0, देन सिग्मा V इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट सिग्मा M इज इक्वल टू 0, ठीक है. हमारे पास ये कुछ तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस है इन सारे रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं VA VC दोनों को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम कंडीशन यूज करते हैं हमारी सिग्मा M इज इक्वल टू 0, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स विल बी 0, और यू कैन से द नेट मोमेंट विल बी 0 एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑन द ट्रस विल बी 0, ठीक है. यहां पर हम मोमेंट लेते हैं एट द पॉइंट ए, ठीक है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेक मोमेंट एट जॉइंट ए विल बी 0, ठीक है. मैं लिख देता हूं टेक मोमेंट एट जॉइंट ए विल बी 0. अभी मैं यहां पर मैं बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करता हूं. तो सबसे पहले फोर्स की बात करें हम VA के लिए, ठीक है. तो अगर VA फोर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो हमारी फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है, उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हमारा जॉइंट A है कि जहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है. हमें हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पता है, इट इज लाइक बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू जो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x रहेगा वो. और अगर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही अगर हमारा पॉइंट है तो एट दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज़ अगर हम इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर इसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो इट विल बी 0. इस वजह से बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड आउट मिलेगी नहीं, बेंडिंग मोमेंट फोर्स ए वी ए की वजह से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है. तो हमें VA के लिए बेंडिंग मोमेंट हमें कुछ मिलेगी नहीं. बाद में बात करें HA के लिए, तो फिर से जो HA की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे ही हमारा जॉइंट A है, तो फिर से HA के लिए हमें कोई भी बेंडिंग मोमेंट मिलेगी नहीं. अभी आगे बढ़े तो बात आती है फॉर द 30 kN. 30 किलो न्यूटन की बात की जाए तो एट द जॉइंट A बिकॉज ऑफ 30 किलो न्यूटन देयर विल बी अ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है. अगर हम जॉइंट A के पास जो 30 किलो न्यूटन बात करें तो बिकॉज ऑफ जॉइंट D देयर विल बी अ क्लॉकवाइज मोमेंट. एंड एज वी नो हमने कुछ ऐसा कंसीडर करते पहले से दैट फॉर द क्लॉकवाइज मोमेंट वी विल पुट प्लस एंड फॉर द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वी विल कंसीडर माइनस, ठीक है. तो यहां पर 30 किलो न्यूटन की वजह से कुछ पॉजिटिव मोमेंट कुछ प्रोड्यूस होती है, कुछ क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होती है, तो हम लिख देते हैं यहां पर कुछ प्लस. क्या लिखेंगे, लोड कितना है 30,
मल्टीप्लीकेशन बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट ए, तो जॉइंट ए से यहां तक का डिस्टेंस हमें कुछ यहां तक का दे गया है, इट इज अ 3 मीटर, तो 30 × 3, ठीक है। अभी आगे बात की जाए तो 30 किलोमीटर की बात खत्म हो गई, अभी बात करते फॉर द 40 किलो न्यूटन, तो फिर से 40 किलो न्यूटन की वजह से यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगी। जॉइंट ए के पास 40 किलो न्यूटन की बात की जाए तो कुछ क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस, तो लिख देता हूं मैं प्लस 40 किलो न्यूटन, यहां पर लिख दिया मैंने 40 इंटू डिस्टेंस विच इज 4 मीटर, 40 × 4। अभी लास्ट में बात की जाए तो फॉर द वीसी, वीसी रिएक्शंस जो प्रोड्यूसर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूसर है, और जॉइंट ए को ध्यान में लेके बात की जाए तो बिकॉज ऑफ वीसी देयर विल बी अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना। यहां पर जॉइंट ए है और यहां पर है जॉइंट सी, जहां पर वीसी रिएक्शन एक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से यहां पर कुछ एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस, तो लिख देता हूं मैं माइनस रिएक्शन वीसी इनटू जॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर, तो वीसी इनटू 08 इज इक्वल टू एट द लास्ट इट इज 0, ठीक है। जितने भी फोर्सेस थे उसे हमने कंसीडर कर दिए, हमने एच ए भी कंसीडर किया, वी ए कंसीडर किया, 30 की बात कर ली, 40 की भी बात कर ली, वीसी की भी लास्ट में बात कर दी, तो हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर दे, वीसी के लिए क्या आता है, देन वीसी इज इक्वल टू 31.25, वीसी इज इक्वल टू 31.25 किलो न्यूटन, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं वीसी के लिए जो आंसर आया वो, यहां पर मैं लिख देता हूं VC is equal to 31.25 किलो न्यूटन, ठीक है। ये बात हो गई हमारे VC के लिए, अभी बात करते VA के लिए, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है that sigma V is equal to 0, which means all the algebraic sum of all the vertical forces in the truss will be 0, ठीक है। तो यहाँ पर conditions का use करते sigma V is equal to 0 के लिए, total कुल मिलाकर यहाँ पर total 3 वर्टिकल फोर्सेस, एक है VA, फिर एक कुछ 40 किलोन्यूटन और एक है यहाँ पे VC, कुल मिलाकर के 3 वर्टिकल फोर्सेस है। अभी VA के लिए बात की जाए तो कुछ VA फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस भी नो हमारे पास कुछ इस तरह का डायरेक्शन हम कुछ लाइन कन्वर्जेशन यूज करते हैं, अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यूज करेंगे प्लस, अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो यूज करेंगे माइनस, तो VA को जा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो यूज करेंगे यहां पर प्लस VA, उसके बाद में बात की जाए 40 किलो न्यूटन के लिए तो 40 किलो न्यूटन जा रहा है कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं माइनस, तो लिख देता हूं मैं यहां पर माइनस 40 किलो न्यूटन के लिए 40 और फिर 31.25 किलो न्यूटन व्हिच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे प्लस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ प्लस 31.25 द लास्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं VA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, क्या थी, VA इज इक्वल टू, सॉरी VA इज इक्वल टू 8.75 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं VA इज इक्वल टू 8.75 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी हमें VA की वैल्यू भी मिल गई और VC की भी वैल्यू मिल गई, मतलब कि जितने भी वर्टिकल रिएक्शंस थे उनकी कैलकुलेशंस हो गई। अभी किसकी बारी है, फॉर द HA, तो HA के लिए बात की जाए तो मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, कुछ जगह बना लेता हूं अपने लिए। कंडीशन क्या है हमारी, सिग्मा H इज इक्वल टू 0, हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो उनके लिए कंडीशन यूज करते हैं सिग्मा H इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका एल्जेब्रिक सम किया जाए डायरेक्शन को ध्यान में लेते हुए, उनका सम क्या होगा, 0 होगा। यहां पर कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक तो यहां पर HA है और दूसरा है यहां पर 30 किलो न्यूटन व्हिच इज इन द राइट साइड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें HA के लिए, हमारा पहले से ही असम्पशन है कुछ कि अगर राइट साइड फोर्स जाएगा तो हम लिखेंगे प्लस और अगर लेफ्ट साइड फोर्स जाएगा तो हम रखेंगे माइनस, ठीक है। तो एच ए जा रहा है इन द राइट साइड डायरेक्शन, वी कैन सी इट हियर, ठीक है। अगर राइट साइड में जेर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर प्लस, तो लिख देता हूं मैं प्लस एच ए। उसके बाद बात की जाए 30 किलो न्यूटन के लिए, तो 30 किलो लोड कुछ जा रहा है इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, अगर लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लिखेंगे
माइनस, तो यहां पर 30 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए हम क्या लिखते हैं प्लस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस 30 किलो न्यूटन एट द लास्ट इज इक्वल टू जीरो, तो एच ए इज इक्वल टू आंसर हमारा कुछ आता है माइनस 30 किलो न्यूटन। यहां पर जो हमारा माइनस आया वो माइनस क्या इंडिकेट करता है कि हमने जो एज्यूम किया हुआ था कि हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन राइट साइड जा रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया था, वो एजम्पशन हमारा रोंग है। यहां पर माइनस का मतलब ये हुआ कि जो आपने एज्यूम किया था वो क्या है, रोंग है, तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी उसे क्या हम कर देते इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर हमने एच ए के लिए एज्यूम किया था दैट इट विल बी गोइंग ऑन द राइट साइड, तो हम क्या करते हैं एच ए को कर देते हम ऑन द लेफ्ट साइड, एच ए इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 30 किलो न्यूटन, माइनस को हमने रिमूव कर दिया बाय चेंजिंग ऑफ अवर डायरेक्शन। ओके, तो हमारे जितने भी तीन रिएक्शन थे एच ए और फिर वी ए एंड देन लास्ट वी सी, उन तीनों को हमने कैलकुलेट कर दिया। सो अब बात करते फॉर द नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द मेंबर लोड्स एंड एट ईच एंड एवरी जॉइंट। चलिए तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं यहाँ पर मैंने 30 किलो न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेफ्ट साइड में जा रहा था उसे लिख दिया है, यहाँ पर वी ए रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था उसे लिख दिया है, और यहाँ पर 31.25 किलो न्यूटन का रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था जो हमने कैलकुलेट किया था, इन तीनों रिएक्शन को मैंने लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वन बाय वन हम एक एक जॉइंट को लेंगे और हर एक जॉइंट के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो मेंबर फोर्सेस है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द जॉइंट ए। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ ऐसा हेडिंग दे देता हूँ कुछ जॉइंट या ऐसा कुछ जॉइंट ए। ठीक है, अभी मैं जॉइंट ए को मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ, तो यहाँ पर रहेगा जॉइंट ए कुछ इस तरह से, फिर ए बी करके कुछ यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर है तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंक्लाइंड मेंबर है ए डी, तो उस इंक्लाइंड मेंबर ए डी को भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अभी दोनों के बीच के अगर इस एंगल थीटा की बात की जाए तो ये दोनों तरफ ये थीटा एंगल सेम ही रहेगा, उसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन कुछ है टेन थीटा का, दैट टेन थीटा इज इक्वल टू जो सामने की साइड रहेगी वो यानी कि बी डी डिवाइड बाई जो पास की साइड रहेगी जो ए बी वो ए बी। ठीक है, तो BD डिवाइड बाय AB, BD की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, इट इज अ 3 मीटर, में यहाँ पर लिखना मैं भूल गया अभी लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कुछ 3 मीटर और AB कुछ दिया है हमें 4 मीटर, तो इज इक्वल टू आंसर कुछ रहता है 0.75। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ थीटा को फाइंड आउट करता हूँ टेन इनवर्स 0.75। ठीक है, तो थीटा को कैलसी में फाइंड आउट कर लेता हूँ टेन इनवर्स 0.75, your answer will be 36.86 degree। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ is equal to 36.86 degree, यहाँ पर भी is equal to 36.86 degree, पर यहाँ पर भी same to same theta is equal to 36.86 degree। अभी बात करते हैं नेक्स्ट जो भी फोर्सेस हमें जॉइंट ए के पास ऑलरेडी दिए गए हैं उसके लिए, तो यहाँ पर जॉइंट ए के पास कुछ वी ए इज इक्वल टू 8.75 किलो न्यूटन दिया गया इन द वर्टिकल डायरेक्शन, लिख देता हूँ 8.75 किलो न्यूटन, और कुछ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इन द लेफ्ट डायरेक्शन हमें कुछ दिया गया जो कि इन द लेफ्ट लग रहा है कुछ 30 किलो। ठीक है, और कुछ हमें जॉइंट ए के पास दिया गया नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, वी हैव टू अज्यूम दैट इन द मेंबर ए बी और इन द मेंबर ए डी द नेचर ऑफ फोर्स विल बी ऑफ व्हिच टाइप। हम अज्यूम कर लेते दी जो हमारा रिएक्शन सॉरी जो भी फोर्सेस प्रोड्यूस होगा एफ ए बी के लिए वो मान लेते हैं कुछ टेंशन रहेगा, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि जो भी हमारा ए बी मेंबर है उसमें जो भी एफ ए बी जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए नेचर ऑफ फोर्स कुछ है टेंशन, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। टेंशन का मतलब रहेगा कि जो भी आपका जॉइंट जिसके लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं उस जॉइंट के पास उस फोर्स की वजह से कुछ टेंसाइल प्रोड्यूस होगा, वो आपके जॉइंट को खींचेगा, जैसे कि इस तरह से वो आपके जो भी आपका जॉइंट है उसको खींचेगा, उसको
पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिख देता हूं एफ ए डी, और मैं एज्यूम करता हूं एफ ए डी के लिए कुछ, एफ ए डी इज इक्वल टू, मैं एज्यूम करता हूं कि एफ ए डी जो हमारा जो मेंबर है एडी, उसमें जो प्रोड्यूस एफ ए डी फोर्स हो रहा है वो मैं एज्यूम करता हूं दैट इट विल बी अ कंप्रेसिव टाइप। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या एज्यूम करना चाहते हो, नॉट कंपलसरी कि मैं कर रहा हूं वही आपको करना है, ठीक है। अगर कुछ आप गलत एज्यूम करते हैं फिर भी आंसर एट द लास्ट इट विल बी सेम, ठीक है। चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ कंप्रेसिव, इट इज एफ ए डी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपके जो जॉइंट्स जिसके लिए आप एनालिसिस कर रहे हो, उस जॉइंट में जितने भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मेंबर्स है, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी फोर्स जो आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ 8.75 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन एंड एफ ए बी, उनको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जितने भी इंक्लाइड लोड्स है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एफ ए डी, तो इंक्लाइड लोड्स को आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एफ ए डी को डिवाइड कर देता हूँ, एक कुछ डाउनवर्ड मेंबर रहेगा और एक रहेगा ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसको मैं नेम दे देता हूं कुछ एफ ए डी, जिसकी वैल्यू रहेगी एफ ए डी कॉस थीटा, यानी कि 36.86 डिग्री। यहां पर भी एफ ए डी साइन, एफ ए डी साइन 36.86 डिग्री, ठीक है। यहां पर जो एंगल जो हम लिख रहे हैं वो कौन सा एंगल आएगा, आपका फोर्स ओरिजेंटल के साथ जितना भी एंगल बना रहा हो वो वाला एंगल वहां पर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एफ ए डी फोर्स है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 36.86 डिग्री, तो वहां पर क्या आएगा, 36.86 डिग्री, ठीक है। अभी हमारे पास कुल मिलाकर के दो कंडीशन से सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, जिनको यूज करके आपको आपके जो दोनों अननोन वैल्यूज है फोर्सेस की वो फाइंड आउट करने, कौन कौन सी, एफ ए डी को आपको एक तो फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है एफ ए बी को, ठीक है। तो मैं इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, tan थीटा वाले के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं सिग्मा h इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने लिख दिया सिग्मा h इज इक्वल टू 0, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं ट्रस के ऊपर, सॉरी हमारे जॉइंट के ऊपर, उनका एलजेब्रिक सम अगर किया जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सिग्मा h इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यहां पर हमारे पास कुछ 30 किलो न्यूटन, उसके बाद कौन सा फोर्स है एफ ए बी, और उसके बाद एट द लास्ट हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ ए डी कॉस 36.86 डिग्री। तो अभी उसके लिए भी हम बात कर ले कुछ साइन कन्वर्जेशंस के लिए, तो अगर आपका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे प्लस, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस, अगर आपका फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे उसके लिए माइनस, और अगर राइट साइड डायरेक्शन में आपका फोर्स जा रहा है तो हम लिखेंगे उसके लिए कुछ प्लस, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात की 30 किलो न्यूटन के लिए, तो 30 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे एट दैट टाइम, माइनस। तो लिख देता हूं मैं यहां पर माइनस, वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 30। उसके बाद मैं बात करता हूं फॉर द फोर्स एफ ए डी कॉस 36.86 डिग्री, जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे वहां पर फिर से माइनस। तो लिख देता हूं माइनस एफ ए डी कॉस 36.86 डिग्री। एट द लास्ट हम बात करते हैं फॉर द फोर्स एफ ए बी विच इज इन द राइट साइड डायरेक्शन, हमने एज्यूम किया है कि फोर्स ए बी जो है वो कौन से नेचर का है, इज अ टेंसाइल नेचर, तो क्या करें, ए जॉइंट को खींच रहा है दूसरी ओर, तो उसको हम एफ ए बी ने दिखाया हमने ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड फोर्स अगर जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे वहां पर प्लस। तो यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं इस तरह से, प्लस क्या है वैल्यू एफ ए बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो बाकी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन यहां पर दो अननोन है, एक है एफ ए डी और दूसरा कुछ अननोन है यहां पर एफ ए बी, तो आगे की कैलकुलेशंस नहीं हो सकते, तो हमें क्या करेंगे सिग्मा एच को अभी वहीं पर स्टे कर देते और आगे चलेंगे फॉर द सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको पता चल जाएगा कि पहले सिग्मा एच के लिए जाना चाहिए या पहले सिग्मा वी के जाना चाहिए। उसके लिए एक बात ध्यान में रखें कि आपका जो जॉइंट हो उनमें ऐसा सॉरी उनमें वर्टिकल फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई ऐसे हो कि जिसमें दूसरे अननोन आते ही ना हो। मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में 30 में तो कोई अननोन नहीं है, यहां पर एफ एडी में एक अननोन है
और हॉरिजॉन्टल तीसरा वाला एफ ए बी वो भी अननोन है। तो अगर हम सिग्मा वी के लिए जाते हैं तो सिग्मा वी में क्या है 8.75 किलो न्यूटन है और दूसरा है सिर्फ एफ ए डी साइन 36.86, यानी कि सिर्फ एक ही अननोन है। अगर एक अननोन है तो उसको आप पहले लीजिए। हम यहां पर सिग्मा एच के बाद सिग्मा वी इसी तरह से प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपका जैसे एक्सप्रेस बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा पहले सिग्मा वी लेना है या पहले सिग्मा एच लेना है। मैं हर बार ऐसे ही करता हूं, पहले सिग्मा एच लेता हूं और फिर सिग्मा वी लेता हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी सिग्मा वी के लिए बात की जाए तो सबसे पहले 8.75 किलो न्यूटन विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लेते हैं यहां पर प्लस, तो लिख देता हूं यहां पर मैं प्लस। फोर्स की वैल्यू कितनी है 8.75। उसके बाद बात की जाए तो FAD sin 36.86 degree which is in the downward direction। अगर downward direction में तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर minus, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर minus FAD sin 36.86 degree is equal to zero। ठीक है, अभी यहाँ पर कितने unknown है, सिर्फ एक ही unknown है which is FAD, तो directly हमें answer जो है FAD का वो मिल जाएगा। FAD is equal to, मैं लिख देता हूँ, your answer will be FAD is equal to 14.58 किलो न्यूटन। ठीक है, हमारा आंसर कुछ FAD के लिए आ रहा है 14.58। और अगर यहां पर बात की जाए तो हम FAD के वैल्यू को पुट अप कर देते इक्वेशन में 14.58 के लिए, तो आंसर FAB का हम फाइंड आउट करेंगे। देन आवर आंसर ऑफ FAB इज इक्वल टू 41.66 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर्स जो है, ये आप FAB की बात करें या FAD की बात करें, दोनों आंसर्स पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मतलब उसका क्या रहा कि हमने जो एज्यूम किया था कि FAB टेंशन है और FAD जो है वो कंप्रेसिव नेचर का है, तो हमारा एजम्पशन राइट है। ठीक है, तो अभी FAB को हम हमारी फिगर में डिनोटेड कर दे तो FAB क्या आया 41.66, यानी कि AE के अंदर दिखाना है और FAB का नेचर हमने क्या एज्यूम किया था, इट विल बी अ टेंशन, और आंसर जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इट विल बी अ टेंशन, हमने जो एज्यूम किया था वो सही है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ टेंशन इस तरह से, अगर A को पुल करेगा आपका फोर्स तो B को भी वो पुल ही करेगा, B को भी खींचेगा है। ठीक है, और वैल्यू में लिख दूं कुछ आ रहा है 41.66 किलो न्यूटन। ठीक है, अभी हम आगे बात करें कुछ FAD के लिए, तो FAD की वैल्यू क्या है 14.58, यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आ रही है मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था वो राइट है। FAD के लिए हमने क्या एज्यूम किया था, कंप्रेसिव, तो हमारा नेचर ऑफ कंप्रेसिव जो हमने नेचर ऑफ फोर्स कंप्रेसिव एज्यूम किया था वो पॉजिटिव आया है, मतलब कि वो आंसर जो है वो क्या है हमारा राइट है। ठीक है, तो FAD is equal to 14.58, यहां पर नेचर ऑफ फोर्स विल बी कंप्रेसिव, तो यहां पर मैं कुछ कंप्रेसिव फोर्स उसको इस तरह से कुछ दिखा देता हूं। ठीक है, अगर वो A को प्रेस करेगा मतलब वो D को भी प्रेस करेगा। ठीक है, लिख देता हूं वैल्यू 14.58 किलो न्यूटन, यहां पर भी किलो न्यूटन। अभी अब हम बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट जॉइंट, जॉइंट नंबर C के लिए अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम अभी आगे बात करते हैं फॉर द जॉइंट सी के लिए। फॉर द जॉइंट सी, जॉइंट सी जो यहां पर है उसे मैं अभी ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर ये यह जॉइंट सी हो गया हमारा। ठीक है, इस और कुछ है बी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी, यहां पर है डी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ डी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है 36.86 डिग्री, तो ये भी लिख देता हूं 36.86 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है, हम फिर से जो हमने लास्ट स्टेप में फॉर द जॉइंट ए किया था वही करना है। हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि जो हमारे मेंबर्स बी सी और सी डी है उनमें टेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है, यह हमें एज्यूम कर रहे हैं। उससे पहले जो भी फोर्सेस हमें दिए गए हैं ऑलरेडी फाइंड आउट किए गए उसे मैं लिख देता हूं, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कुछ 31.25 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं उसे यहां पर लिख देता हूं। ओके, अभी मैं एज्यूम कर लेता हूं कुछ FBC के लिए, मैं कुछ एज्यूम करता हूं दैट द नेचर ऑफ फोर्स विल बी अ टेंशन। ऐसा मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं दैट आवर फोर्स FBC विल बी
टेंशन, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं दैट द एफबीसी विल बी टेंसाइल, ठीक है, ऐसा मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया है। अभी बात की जाए फॉर द डीसी के लिए, तो डीसी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं दैट माय फोर्स विल बी अ कंप्रेसिव फोर्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या एज्यूम करना, अगर आप चाहे कि मुझे कंप्रेसिव नहीं लेकिन मुझे टेंसाइल एज्यूम करना है देन यू कैन एज्यूम इट एज अ टेंसाइल आल्सो, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, माइनस आएगा, तो आपको क्या करना है, आपका जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, कंप्रेशन आंसर आए आप उसको टेंशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं, हमने जैसे अगली बार किया वैसे ही जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है या वर्टिकल फोर्सेस है उनको हमें कुछ नहीं करना है, अगर आपका कोई फोर्स इंक्लाइंड है तो उनको हम क्या करना है, उसे हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट में हमें उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एफडीसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पर ये मेंबर हमारा हॉरिजॉन्टल बन जाएगा कुछ FDC cos 36.86 डिग्री, और एक डाउनवर्ड हो जाएगा जिसे हम दे देते हैं नाम कुछ FDC sin 36.86 डिग्री, ठीक है। यहां पर आएगा किसी को भी डाउट नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे जो कंडीशन से सिग्मा H इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो, सबसे पहले मेरी प्रैक्टिस के मुताबिक सबसे पहले मैं जाता हूं सिग्मा H इज इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है कुछ FBC विच इज इन द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर माइनस, लेफ्ट साइड के लिए हम क्या लिखते हैं माइनस, तो माइनस FBC। उसके बाद हम बात की जाए तो FDC cos 36.86 विच इज इन द राइट साइड डायरेक्शन, राइट साइड डायरेक्शन के लिए क्या आएगा प्लस, तो लिख देता हूं मैं यहां पर प्लस FDC FDC cos 36.86 डिग्री, ठीक है। अभी आगे बात की जाए तो और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको दिया गया नहीं है, तो एट द लास्ट में लिख देता हूं इज इक्वल टू जीरो। यहां पर भी आप देख सकते हैं इक्वेशन में दोनों ने FDC और FBC यानी कि आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इनको यहां पर ही छोड़ देते और बात करते फॉर द सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है, सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो। अभी वर्टिकल फोर्सेस की बात की जाए तो कितने वर्टिकल फोर्सेस है, एक है कुछ 31.25 किलो न्यूटन और दूसरा कुछ है FDC sin 36.86 डिग्री। तो सबसे पहले बात की जाए FDC sin 36.86 डिग्री के लिए, तो फोर्स जा रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हम क्या लिखेंगे वहां पर माइनस, को लिख देता हूं माइनस FDC sin 36.86 डिग्री, और उसके बाद में लिख देते 31.25 किलो न्यूटन को विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या आएगा वहां पर प्लस, तो लिख देता हूं प्लस 21.25 एट द लास्ट इज इक्वल टू जीरो। एक बार यहां पर हम रफली चेक कर लिया करो कितने फोर्सेस थे कुल मिलाकर के, यहां पर फोर, एक था FBC, दूसरा था FDC, तीसरा था भी FDC और चौथा था कुछ 31.25, यानी कुछ चार फोर्सेस थे। तो अब यहां पर एक बार रफ कैलकुलेशन कर लो, 1 2, यहाँ पर ये तीसरा आ गया और यहाँ पर ये चौथा वाला आ गया, ठीक है। तो एक बार ये जो भी हमारे फोर्सेस उनको एक बार लास्ट में कैलकुलेट करने ने कर लेने का ट्राई कीजिए, ताकि आपके ऐसा ना हो कि एट द टाइम ऑफ लास्ट आप जब आंसर तक पहुंचे तब पता चले कि आप ये वाला कंपोनेंट तो कैलकुलेट करना भूल ही गए इसलिए, ठीक है। अभी फाइंड आउट करते हैं FDC को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन है, तो डायरेक्टली आंसर हमें कुछ मिल जाएगा और आंसर विल बी 52.09। Our answer of FDC will be 52.09 किलो न्यूटन, ठीक है। और अभी इसी वैल्यू को यहां पर मैं पुट कर देता हूं 52.09 किलो न्यूटन को, तो आंसर फाइंड आउट करता हूं, तो आंसर कुछ मेरा आ रहा है यहां पर 52.09 इनटू कोस 36.86 में आंसर विल बी 41.67, ओके, मेरा आंसर कुछ आ रहा है FBC इज इक्वल टू 41.67 किलो न्यूटन। यहां पर मेरी कुछ एरर आ गई, मेरा यहां पर आंसर तो आना चाहिए था 41.66, क्योंकि एज वी नो हमारी कंडीशन क्या रहती है सिग्मा H इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करता तो मेरा आंसर अगर लेफ्ट साइड कुछ जा रहा है 41.66 तो राइट साइड भी 41.66 ही जाना चाहिए था। यहां पर मेरी कुछ 0.01 की एरर आ रही है, वो बिकॉज ऑफ कैलसी जो हमें 0.00 के बाद के डिजिट्स जो है उसे हम कंसिडर नहीं करते उसकी वजह से, ठीक है। तो अभी यहां पर हम देख सकते हैं दोनों के दोनों आंसर्स जो हमारे वो कौन से आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे
दोनों आंसर ठीक है। तो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी हमने एज्यूम किया था वो राइट है ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ एफबीसी जो है वो रहा हमारा टेंशन और एफबीडीसी जो है वो रहा हमारा कंप्रेशन, जो हमने एज्यूम किया था वो बिल्कुल राइट है ठीक है। अभी मैं फिगर में भी दिखा देता हूँ एफबीसी जो क्या कर रहा है 41.66 किलो न्यूटन के साथ टेंशन दे रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से एरो दूंगा सी के पास, अगर ये इस तरह से अगर ये सी जो है इसको अगर वो खींचता है तो यानी कि वो बी को भी खींचेगा और आंसर क्या रहेगा वहां पर भी 41.66 किलोन्यूटन में 67 है फिर भी इसको 66 ही लिख रहा हूँ ठीक है। और अगर बात की जाए डीसी के लिए तो आंसर क्या आता है 52.09 किलो न्यूटन। ये जो सी डी जो मेंबर है डीसी मेंबर जो है उसके लिए अगर हम बात की जाए तो वहां पर क्या रहा है कंप्रेसिव नेचर, तो सी के पास क्या है कंप्रेसिव नेचर, अगर सी के पास कंप्रेसिव नेचर तो डी के पास भी क्या रहेगा कंप्रेसिव नेचर। और आंसर क्या है वहां पर लोड का 52.09 किलो न्यूटन ठीक है। अभी हमें सारी वैल्यूज मिल गई है, ए डी मेंबर के लिए भी वैल्यू मिल गई, फिर ए बी के लिए भी कुछ वैल्यू मिल गई है, फिर बी सी के लिए भी वैल्यू मिल गई और जो सी डी था उनके लिए भी वैल्यू हमें मिल गई है। तो लास्ट हम बात करते हैं फॉर द जॉइंट बी ताकि हमें बी डी की भी वैल्यू मिल जाए ठीक है। चलिए तो एट द लास्ट अभी हम बात करते हैं फॉर द जॉइंट बी ठीक है। हम जॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले जॉइंट बी को मैं ड्रॉ कर दूं तो वहां पर कुछ इस तरह से कुछ यहां पर कुछ क्रॉस बन रहा है, हमें क्रॉस यहां पर कुछ बना देता हूं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जॉइंट बी के पास कुछ लग रहा है 40 किलो न्यूटन और लेफ्ट साइड जो रहेगा वो रहेगा ए मेंबर, राइट साइड है कुछ सी जॉइंट ठीक है। और अब बी ए मेंबर में और बी सी मेंबर में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर कुछ आएगा 41.66 तो मैं वो भी लिख देता हूँ 41.66 किलो न्यूटन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आएगा 41.66 यहाँ पर कुछ ऊपर डी जॉइंट है ठीक है। अब हमें क्या करना है बी डी जॉइंट में नेचर ऑफ फोर्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, एक बार में गलत एज्यूम करता हूं ताकि आपको पता चले कि आंसर्स जो वो अगर माइनस में आते तो किस तरह से आपको कैलकुलेशंस करने ठीक है। मैं यहां पर कुछ ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम दैट फोर्स बीडी जो भी हमारा फोर्स एफ बीडी रहेगा वो रहेगा कंप्रेशन ठीक है। ऐसा मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, कंप्रेसिव मतलब क्या हुआ वो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रह के बी फोर्स को प्रेस करेगा ठीक है, बी मेंबर जो आपका है सॉरी बी जॉइंट जो है उसे प्रेस करेगा ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर सिग्मा एच इज इक्वल टू जीरो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स दो ही है 41.66 एंड 41.66 इसीलिए सिग्मा एच इज इक्वल टू करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बात करेंगे फॉर द सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो। तो मैं लिख देता हूं सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो, दो फोर्सेस है सिर्फ एक एफ बी डी और दूसरा है 40 किलो न्यूटन, दोनों है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे माइनस ठीक है। तो एफ बी डी के लिए बात करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस देन फोर्स वैल्यू एफ बी डी देन 40 किलो न्यूटन व्हिच इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी राइट माइनस माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो ठीक है। तो हम एफ बी डी की जो कैलकुलेशन करेंगे तो एफ बी डी का जो हमारा आंसर रहेगा वो आएगा इज इक्वल टू माइनस 40 किलो न्यूटन। अभी आप देख सकते हैं हमारे जितने भी एग्जांपल्स आपने हमने टुडे आज हमने जितने भी कैलकुलेशंस की उनमें कहीं भी माइनस नहीं आया है, यहाँ पर हमारा कुछ आंसर माइनस आया मतलब क्या हुआ जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर है कंप्रेसिव तो हम गलत थे, कंप्रेसिव नहीं है वहां पर क्या है टेंशन। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कुछ एफ बी डी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन काउंस में लिख देता हूँ मैं कुछ टेंशन क्योंकि कंप्रेसिव जो एज्यूम किया था वो क्या था रॉन्ग था, मैं कैसे पता चला हमारा आंसर माइनस है इसलिए। तो मैं यहाँ पर भी करेक्शन कर देता हूँ जो एफ बी डी रहेगा वो कौन सी डिरेक्शन में आएगा इन द अपवर्ड डिरेक्शन में एफ बी डी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ इन द अपवर्ड डिरेक्शन यहाँ पर 40 किलो न्यूटन। अगर यहाँ पर बी के पास अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डी से क्या आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे मेंबर फोर्सेस है वो हमने कैलकुलेट कर दिए। अभी हमें क्या कर रहे हैं सारी वैल्यूज को एक टेबल में लिख के हमें एट द टाइम ऑफ एग्जाम हमें लास्ट में लिख देना है। तो गो लेट्स गो टू द लास्ट स्टेप, यहाँ पर हमें कुछ एक टेबल इस तरह से बना देना है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस तरह से कुछ
सबसे पहले आपकी कुछ कॉलम रहेगी, वो आएगी सीरियल नंबर, उसके बाद की जो नेक्स्ट कॉलम आएगी वो आपकी आएगी मेंबर, फिर नेक्स्ट कॉलम आएगी आपकी फोर्स, एंड एट द लास्ट आपकी कॉलम आएगी कुछ नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी यहां पर सबसे पहले बात की जाए फॉर द सीरियल नंबर वन में दे देता हूं। अभी पहला फोर्स कौन सा, सॉरी सबसे पहले मेंबर की बात करें ए डी की, अगर आप ए डी लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप डी ए लिखना चाहे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं ए बी। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया कुछ ए बी, अभी सॉरी ए डी, माय मिस्टेक, यहां पर मैं लिख देता हूं ए डी। आप चाहे उस मेंबर को पहले लिख सकते हैं, मैंने पहले ए डी लिखा है। कितनी वैल्यू आई, 14.58 किलो न्यूटन। नेचर ऑफ फोर्स क्या है, हम देख सकते हैं कि जो 14.58 का जो फोर्स है वो जॉइंट ए को भी कंप्रेस कर रहा है और दूसरी ओर भी कंप्रेस ही कर रहा है, यानी कि नेचर ऑफ फोर्स विल बी कंप्रेसिव, अवर नेचर ऑफ फोर्स विल बी कंप्रेसिव। ठीक है, अभी आगे बात की जाए तो फॉर द नेक्स्ट जॉइंट, जॉइंट बी द सेकेंड नंबर, फॉर द जॉइंट ए बी, सॉरी फॉर द मेंबर ए बी, वैल्यू कितनी है फोर्स की, 41.66, वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 41.66 किलो न्यूटन, एंड इट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। यानी यहां पर देख सकते हैं कि जो भी फोर्स 41.66 का प्रोड्यूस हो रहा है वो जॉइंट ए को खींच रहा है, वो उसे पुल कर रहा है, पुल कर रहा है, यानी कि इट इज अ टेंशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ टेंशन। उसके बाद सीरियल नंबर थ्री, यानी कि जो कोई भी मेंबर यहां पर है हमारा बी डी, तो लिख देता हूं मैं यहां पर बी डी। अभी जब मैं बी डी के लिए बात कर रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 40 किलो न्यूटन, तो यहां पर भी लिख देता हूं कुछ 40 किलो न्यूटन। ठीक है, और लास्ट लिखना है नेचर ऑफ फोर्स, तो यहां पर देख सकते हैं जो 40 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों तरफ जो कोई भी जॉइंट्स दिए गए दोनों को वो खींच रहा है, दोनों को वो पुल कर रहा है, यानी कि इट इज ऑल्सो टेंशन। ठीक है, अभी लास्ट बात की जाए उसके नेक्स्ट में बात कीजिए फॉर द जॉइंट, सॉरी फॉर द मेंबर बी सी के लिए, तो फोर्थ मेंबर बी सी यहां पर जो दिखाए गए हैं वो, उसके अंदर वैल्यू कितनी है, फोर्स कितना प्रोड्यूसर है, कुछ 41.66, तो लिख देता हूं मैं यहां पर 41.66 किलो न्यूटन। ठीक है, और उसका नेचर ऑफ फोर्स कौन सा रहेगा, नेचर ऑफ फोर्स की बात की जाए तो ये दोनों तरफ से आपके जॉइंट्स को खींच रहा है, यानी कि क्या हुआ वहां पर भी टेंशन, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं कुछ टेंशन। एट द लास्ट बात की जाए फॉर द मेंबर सीडी, तो यहां पर मैं नंबर दे देता हूं फिफ्थ, जॉइंट्स का नाम दे देता हूं कुछ सीडी, जो कि वैल्यू है फोर्स की उसके लिए 52.09 किलो न्यूटन। और अगर नेचर ऑफ फोर्स की बात की जाए तो वो दोनों तरफ से, यहाँ पर सी पर भी और डी पर भी, दोनों तरफ ये फोर्स जो क्या कर रहा है, आपका जो जॉइंट है उनको पुश कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं द नेचर ऑफ फोर्स विल बी कंप्रेसिव। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लास्ट में आपको इस तरह से कुछ एग्जाम के अंदर कुछ आपको कुछ आपका जो टेबल है वो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरह से कुछ जिसमें सब कुछ डिटेलिंग होगा कि कौन सा मेंबर है, उसके अंदर कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके लिए जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कौन सा रहेगा, कंप्रेसिव या फिर नेचर। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह का एक एग्जांपल है वो गिनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।